क्लासेस, मैं हूं तबिता। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का बिजनेस स्टडी से, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। जो एग्जाम्पल मैं आज कराऊंगी वो आपके CBSE सैम्पल पेपर का है। सो ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लो गाइस। अगर आप BST में 90+ या 95+ या 99+ 100 स्कोर करना चाहते हो, सो वो तभी हो सकते हैं जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसे आज हम एक आसान तरीके से समझेंगे गाइस, जिसका नाम है EBIT EPS एनालिसिस। EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपने अकाउंट्स में भी इसकी फुल फॉर्म सुनी है। EPS बोले तो अर्निंग पर शेयर। टॉपिक का नाम क्या है गाइस? टॉपिक का नाम बड़ा कमाल का है। इसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये टॉपिक कहता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि इंक्रीज दी अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। अब इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ानी है, बट कैसे? ड्यू टू इंक्रीज इन द फाइनेंशियल चार्जेस, यानी कि अपने बिजनेस में फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ा दो। डिबेंचर बढ़ाओगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। अब ऐसा करके आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुँचा सकते हो। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। तभी बिजनेस में हमेशा शेयर होल्डर्स के साथ साथ, यानी कि शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी होते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट, डिबेंचर होने का बेनिफिट किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब आप बोलोगे कैसे, कैसी बात कर रही हो मैम आप, मतलब डिबेंचर होल्डर के होने से शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट है? सो गाइस, कंसेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, बट क्या बेनिफिट है ये आपको इस एग्जाम्पल से पता चलेगा, ये एनालिसिस से पता चलेगा, जो EBIT EPS एनालिसिस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी कि किस तरीके से आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, जब आप अपने बिजनेस में डिबेंचर्स को, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को सिचुएशन दे रखी होती है दो। ठीक है, हम लोगों को वो सिचुएशन लिख लेनी होती है। हमें सबसे पहले कंसेप्ट लिखना होता है EBIT। तो आज की डेट में आप EBIT की फुल फॉर्म तो जान ही चुके हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारी अर्निंग कितनी है, अब इसमें से हमें लेस करना होता है सबसे पहली चीज इंटरेस्ट। क्या लेस करना होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, अब पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ गाइस। ये CBSE का एग्जांपल है, जिसमें इन्होंने बोला कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 10 लाख। कितने हैं गाइस? 10 लाख रुपए है, डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। यानी कि 10 लाख रुपए में पर शेयर कितने का है गाइस? 100 रुपए का है। आगे फॉर एक्सपेंशन कंपनी नीड फंड 5 लाख। कंपनी को 5 लाख रुपए और चाहिए, तो टोटल मिला के 15 लाख हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी पहला ऑप्शन देती है कि 5000 इक्विटी शेयर इशू कर दो 100 रुपए का एक, तो आपके पास 5 लाख आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हम सिचुएशन वन लेंगे, मे बी आपके जो भी एग्जांपल या क्वेश्चन होगा उसमें 3 सिचुएशन भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। मेन है हमें कंसेप्ट क्लियर होना, तो एक क्या हम 10 सिचुएशन भी सॉल्व कर जाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है। तो फर्स्ट सिचुएशन में गाइस हमारे पास, अगर मैं एक उसमें लिखूं, पहले ये मिटाती हूँ, देखो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास टोटल होंगे 15,000 शेयर्स। ठीक है, कितने शेयर्स हो जाएंगे? 15,000, इसमें कोई भी डिबेंचर नहीं है। सेकेंड सिचुएशन वो कहती है कि आप इशू कर लो 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख, आप डिबेंचर इशू करो। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 10,000 शेयर्स ही रहेंगे। अब आप बोलोगे 10,000 शेयर्स कैसे, क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपये हैं, पर शेयर कितने का है गाइस? 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना आना चाहिए, जो भी अमाउंट होता है उसको प्राइस ऑफ द शेयर्स से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाते हैं। 10,000 शेयर्स हैं, और बाकी कंपनी क्या कह रही है, ऑप्शन रख रही है कि आप डिबेंचर इशू करो ना। ठीक है, तो हमने डिबेंचर इशू कर दिए 5 लाख रुपए के। ये कितने के करे? 5 लाख रुपए के। अभी यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन नहीं है कि 100 रुपए का है, वैसे जनरली 100 का होता है, बट मेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। आगे कंपनी कहती है कंपनी इज प्रेजेंट अर्निंग EBIT कितना है गाइस? 4 लाख पर एनम। यानी कि कंपनी की अर्निंग 4 लाख रुपए है, कब? जब वो 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाती है। Assuming that ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल सेम आफ्टर एक्सपेंशन। कंपनी कहती है कि हमारी जो रिटर्न का जो रेट है ना, वो एक्सपेंशन के बाद भी सेम रहेगा। टैक्स रेट हमें 50% दे रखा है। शो योर वर्किंग, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, अब आपको इसका शो वर्किंग करके बताना है कि किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, किस केस में, फर्स्ट सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा या सेकेंड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी सिचुएशन पता चल गई। एक सिचुएशन में आपके पास शेयर नंबर बढ़ जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे, एक में आपके पास 10,000 शेयर ही रहेंगे बट डिबेंचर बढ़ जाएंगे। ठीक है,
अब हमें सबसे पहले एनालिसिस की शुरुआत करते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। यहाँ पर 4 लाख रुपए दे रखे हैं, 90% बच्चे जो गलती करेंगे वो 4 लाख लेके करेंगे, बट 4 लाख नहीं लेना गाइस। उन्होंने बोला है 4 लाख रुपए अर्निंग थी जब हम 10 लाख कमाते थे, बट अभी हमारा ROI सेम रहेगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट सेम रहेगा। तो रेट कैसे निकालते हैं ROI? हमारी अर्निंग है 4 लाख, 4 लाख हमारे 10 लाख का कितना परसेंट होता है, तो अगर हम इसको कट करें तो ये होगा 40%। तो आज के डेट में बिजनेस में कितना पैसा लग रखा है? 15 लाख। तो 15 लाख का 40% कितना होगा? 6 लाख। तो अर्निंग आपको अपनी रेट सेम रहेगा, उन्होंने बोला है रेट सेम रहेगा, उन्होंने ये नहीं बोला अर्निंग का अमाउंट सेम रहेगा, रेट निकालना है पहले, ठीक है। और कई क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी गिवन होगा, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको अर्निंग गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेन होता है आप कितने अच्छे तरीके से उसकी लैंग्वेज को समझ पाते हो। तो यहाँ पर रेट के बारे में बात थी, रेट सेम रहा तो अमाउंट पर हमने 40% निकाला। फिर अपने अभी हमारे बिजनेस में कितना पैसा है? 15 लाख लगाए, 15 लाख का 40% हमारी प्रेजेंट अर्निंग कहलाएगी, यानी कि जब हम पैसा लगा देंगे तब की अर्निंग कहलाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये, अब आपको लेस करना होता है। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ना, तो हमें लेस करना है इंटरेस्ट, जो चीज़ पहले आती है इंटरेस्ट। इस केस में हमें कोई भी डिबेंचर नहीं ले रखा तो कुछ इंटरेस्ट नहीं देना। इस केस में हम इंटरेस्ट देंगे क्योंकि हमने 10% डिबेंचर 5 लाख के ले रखे हैं। तो 5 लाख का 10% कितना होगा गाइस? 50,000 लिख दिया। यहाँ पर 6 लाख आ गया, यहाँ पर 5 लाख 50 आया इंटरेस्ट पे करने के बाद। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स पे नहीं किया। अब हम करेंगे इसमें से लेस टैक्स। क्या चीज़ रह गई थी? टैक्स रह गया था, टैक्स लेस कर दिया। सबसे पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे। देखो EBIT में से, EBIT में से सबसे पहले I जाएगा फिर T जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो T लेस किया जो कि है 50%, तो 6 लाख का 50% होता है 3 लाख, और इसका 50% होगा 2,75,000। ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना आ गया? 3 लाख, और यहाँ आ गया हमारे पास 2,75,000। अब ये अर्निंग हमारे पास बच रही है टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, यानी कि ये कंपनी की अर्निंग है। ये अब वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी। तो अब हमें लिखने हैं नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं। इस केस में हमारे पास 15,000 शेयर्स हैं और इस केस में हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। तो अगर 30 लाख को, यानी कि नहीं 3 लाख रुपए हैं, 15,000 लोगों में डिवाइड होने हैं, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय अगर आप 15,000 करोगे तो ये कितना आएगा गाइस? 20 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यानी कि पर शेयर होल्डर को कितने रुपए मिल रहे हैं? 20 रुपये। कैसे निकाला? 3 लाख हमारे पास पैसा बचा और 15,000 शेयर्स में डिवाइड होना है, तो इसको कट करके, और यहाँ पर भी अगर हम इसको कट करें 2,75,000 रुपये बटने हैं 10,000 शेयर होल्डर्स में, तो अगर आप इसे काटोगे ये बचेगा 27.5 रुपीज़। तो ऐसे केस में गाइज अर्निंग किस शेयर होल्डर की ज़्यादा है? सेकेंड सिचुएशन की, यानी कि कौन जीता? सेकेंड सिचुएशन जीती, क्योंकि इसमें हमने डिबेंचर भी यूज़ करे लेकिन फिर भी हमारे शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इस, अब आप कहोगे ना कि कैसे, तो वो उसका आंसर ये रहा कि देखो यहाँ पर उन्होंने कम पैसा, कम शेयर होल्डर्स रखे लेकिन बेनिफिट हुआ, यहाँ पर उन्होंने शेयर होल्डर्स ज़्यादा करे और शेयर होल्डर्स को ही नुकसान हो गया। तो कई बार फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट के आने से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि एक तो ये टैक्स डिडक्टेबल है, इसके ऊपर हमें टैक्स देने की नीड नहीं होती। तो इस तरीके से गाइज आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और यहाँ तक आपको अपनी वर्किंग दिखानी होगी, और ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आया है। एक बार गो थ्रू हो जाना, EBIT में से सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होगा, सेकेंड स्टेप में टैक्स लेस होगा, ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और जितना टैक्स के बाद पैसा बचा उसे हमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से डिवाइड करना है, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, बस आपको पुट करना आना चाहिए। सो ये इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें गाइज और अच्छे मार्क्स लेके आए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर ID @TabithaMessi पूछ सकते हो। Thank you.